हेलो सॉरी फ्रेंड्स, मेरे उस वीडियो की मेमोरी फुल हो गई थी तो अपने आप वीडियो कट हो गई थी, इसलिए मुझे अब दूसरी वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्लीज़ आई एम सो सॉरी। अब ये मेरा मसाला आलू दोनों ये ड्राई हो गए हैं, भुंज गया खूब अच्छे से। अब जो इसमें कढ़ाई में तेल बचा था, ये तेल मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि इसमें मसाले में तेल नहीं है। अब मैं इसमें जो एग फ्राई करके रखे थे ये फ्राई एग भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ये 2 गिलास के तकरीबन पानी डाल दूंगी। धनिया मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी धनिया पत्ती। पानी इस हिसाब से डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा आलू और थोड़ा थोड़ा जो एग है दोनों दिखाई दे तो फिर पानी ठीक रहता है। थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं पानी और ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें 1 सीटी लगा दूंगी। 1 सीटी लगाने से ये आलू और अंडा दोनों खूब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने 1 सीटी लगा ली थी, अब गैस की फ्लेम ठंडी हो गई है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा एग करी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। धनिया मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इस प्लेट में इसको सर्व करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एग करी। आलू और एग मिक्स करके डाल के बना के खाएं, और ये राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी एग करी बनके रेडी हो चुकी है। आप देखें ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, बहुत ज़्यादा ये अच्छी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको देखें, बहुत टेस्टी। मेरी तरह आप एग करी बनाएं और अपनी फैमिली वालों को पका कर खिलाएं, और कैसी पकी है आप मुझे आके कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ 8-10 व्यू आते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।